बहुत ही अदब के साथ अव्वल आज़मी साहब से दरख्वास्त करूँगा, आए वो अपने ख्यालात का इजहार करें। अस्सलामु अलैकुम। स्टेज पर बैठे हुए उलमाए किराम और तमाम हजरात, जैसा कि आप सभी हजरात को इस चीज़ का बखूबी इल्म है कि ये प्रोग्राम, ये ताज़ियती नशिस्त एक ऐसी अजीमुल मर्तबत शख्सियत को याद करने के लिए और उन्हें खराज अकीदत पेश करने के लिए मुनक्किद की गई है, जिसने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा मुसलमानों, सुन्नी और शिया, हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने के लिए जो कुर्बानी मरहूम ने पेश की है उसे सदियों तक याद किया जाएगा। और ऐसी शख्सियत बहुत कम पैदा हुआ करती है और उनके इंतकाल से पूरी दुनिया के लोग, चाहे वो किसी भी मजहब के लोग हो, हर शख्स की आंखें नम थी, हर शख्स गमगीन थे, क्योंकि मौलाना की जो कुर्बानी थी वो हमेशा याद की जाएगी। हजरात, नाकाबिले तहम्मुल, इंतहाई दिल शिकन और ताकत रूबा खबर, आज से चंद दिनों कबल पहले ये तलाई कि आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना डॉक्टर सैयद कल्बे सादिक साहब क़िबला अब हमारे दरमियान नहीं रहे। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, उनके अहले खाना को, उनके रिश्तेदारों को, उनके चाहने वालों को सब्र जमील अता फरमाए। यकीनन मौलाना के इंतकाल से मुसलमानों का, बल्कि अगर ये कहा जाए कि पूरी इंसानियत का बहुत बड़ा खसारा हुआ है तो यकीनन ये सही होगा और उनकी जगह को पुर करना ये इंतहाई मुश्किल है। यकीनन मौलाना के इंतकाल से कौम यतीम हो गई है, वो हमारी कौम के लिए एक शफीक बाप की हैसियत रखते थे। मौलाना कायद का लकब अख्तियार किए बगैर इंतहाई मुअस्सिर, मुखलिसाना और हमजहत क़यादत फरमाई है उस कौम की। ख़ास तौर से तालीमी मैदान में मौलाना ने सिर्फ तकरीरें करके बेदारी ही नहीं पैदा की, बल्कि अमली इकदाम करके तौहीदुल मुस्लिमीन ट्रस्ट और यूनिटी कॉलेज और इस तरह के न जाने कितने प्रोजेक्ट शुरू करके कितने घरों में मौलाना ने तालीम की रोशनी फैलाई है, कितने नौजवानों की जिंदगियां सवारी है। मौलाना अपने हुस्न तदबीर से बिगड़ी हुई नस्लों की तकदीर को संवारा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें जजाए खैर दे। जैसा कि आप सभी हजरात जानते हैं कि जब मौलाना सख्त अलील थे और लखनऊ के अस्पताल में वो ज़ेर इलाज थे तो मुल्क के ना सिर्फ शिया और सुन्नी समाज के लोग, बल्कि मुल्क और इस देश के हर मजाहिब के मानने वाले लोगों में मौलाना की सेहत की खबरों को लेकर बेहद हसासियत पाई जाती थी, क्योंकि उनकी शख्सियत बेहद मकबूल और हर दिल अजीज थी। मौलाना कौम मिल्लत का सरमाया थे, तालीमी मैदान में, इल्मी मैदान में मौलाना मुल्क के दूसरे सर सैयद थे। उनके इंतकाल से उनके लाखों शहदाइयों, परस्तारों गहरे अंदों में मुब्तला हो गए हैं। मौलाना ने अपनी पूरी जिंदगी मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद और यकजहती को वजूद में लाने के लिए सर्फ कर दी। वो ना सिर्फ शिया और सुन्नी बल्कि मुल्क के हर मजाहिब के मानने वाले लोगों के दरमियान एक अजीम, एक खूबसूरत पैगाम रखा करते थे। यकीनन मौलाना जहां कहीं पर किसी भी जब प्रोग्राम में शरीक हुआ करते थे तो वो हमेशा
इत्तेहाद व वहदत की ही बातें किया करते थे। यही वजह थी कि वो ना सिर्फ शिया और सुन्नी बल्कि मुल्क के हर मजाहिब के मानने वाले लोग मौलाना को अपने प्रोग्रामों में बुलाकर उनके नजरियात के आगाह होने के शायख रहा करते थे। मौलाना नौजवानों के दिलों में अपनी नर्म गुफ्तगु, मुतासिर कुन और शीरी बयानी, नीज मौका और महल के एतबार से की जाने वाली तकरीरों के सबब बिलखसूस नौजवानों के दिलों में घर कर चुके थे। इसी तरह मुसलमानों और गैर मुसलमानों के दरमियान हमेशा तालीम और तरबियत पर तवज्जो दिया करते थे और मुसलमानों की तालीम को, तालीम के फरोग को अपनी ज़िंदगी का अपना निस्बुल ऐन करार देते हुए ताहयात इस पर काम करते रहे, जिसका नतीजा ये हुआ कि हज़ारों की तादाद में गरीब और ज़रूरतमंद बच्चों और बच्चियों के तालीम के खराजात को फराहम करने के साथ साथ मुतअद्दिद इल्मी और तालीमी मराकिस कायम किए और लोगों की बच्चों और बच्चियों की किफालत की भी जिम्मेदारी उठाते रहे। मौलाना ये भी कहा करते थे कि न शिया सुन्नी के दुश्मन है, न सुन्नी शिया के दुश्मन है, जहालत दोनों की दुश्मन है। जब तक आप आलम इस्लाम से जहालत को दूर नहीं करेंगे, आप जिंदा कौम नहीं कहे जा सकते। इन शैताना यंज़ु बैनहुम, अल्लाह नहीं लड़ाते, रसूल नहीं लड़ाते, अली नहीं लड़ाते, शैतान लड़ाता है। मौलाना का जो मिशन था आप समझते हैं, अभी उलमाए कराम आप लोगों से मुखातिब होंगे, लेकिन अब हमारी और आपकी जिम्मेदारी यह है कि मौलाना के पैगाम को जिंदा और जावेद रखा जाए। वक्त बहुत कम है, वरना और आपसे गुफ्तगू शनेद करता। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।